of both faith and strength. Thank you very much. May I now invite Honourable Prime Minister to address the gathering. PKK President Sri Pankaj Patel ji, Bhavi President Srimad Rasesh Shah, Secretary General Dr. Sanjay Baru, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आप सभी आज अपने साल भर के कामकाज का लेखा जोखा हिसाब किताब में लगे हैं। इस वर्ष फिक्की के 90 वर्ष भी हो रहे हैं। किसी भी संस्था के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। आप सभी को मेरी तरफ से 90 साल की सफल यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तब तक जिन जिन लोगों ने इस काम को संभाला है उन सबको भी मेरी तरफ से बधाई। साथियों, 1927 के आसपास का ही समय था जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसके खिलाफ जिस तरह भारतीय उद्योग जगत उस समय लामबंद हुआ वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना थी। अपने हितों से ऊपर उठकर जगत ने साइमन कमीशन के गठन के खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसे उस समय भारतीय समाज का हर अंग राष्ट्रहित के आगे राष्ट्रहित को लेकर के आगे आया, वैसे ही भारतीय उद्यमियों ने भी अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाया। भाइयों और बहनों, जैसे 90 साल पहले सामान्य मानवीय अपनी दैनिक जिम्मेवारियों के साथ साथ देश की जिम्मेवारियों को उठाने के लिए आगे आया, वैसा ही दौर फिर एक बार हम सबके सामने आया है। इस समय देश के लोगों की आशाएं आकांक्षाएं जिस स्तर पर है और मैं समझता हूं उसे आप भी भलीभांति समझ सकते हैं। लोग देश की इन आंतरिक बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, काले धन से परेशान हो चुका है। उसे छुटकारा पाना और इसलिए आज हर संस्था, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिक्की जैसा औद्योगिक संगठन, उसके लिए ये मंथन का समय है कि वो देश की आवश्यकताओं और देश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी भावी रणनीति कैसे बनाएं। साथियों, स्वतंत्रता के बाद उस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यह भी सत्य है कि इन वर्षों में हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आजादी के बाद के 70 सालों में हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई गरीब हमेशा, सामान्य मानवी हमेशा इस सिस्टम के साथ लड़ता रहा। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए
उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। उस गरीब को बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो सिस्टम उसके आड़े आ जाता था, उसे गैस का कनेक्शन चाहिए तो 10 जगह उसको चक्कर काटना पड़ता था, अपनी ही पेंशन पाने के लिए, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप पाने के लिए उसको यहां वहां कमीशन देना होता था। सिस्टम के साथ इस लड़ाई को बंद करने का काम मेरी सरकार कर रही है। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो न सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो बल्कि सेंसिटिव भी हो, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की आवश्यकताओं को समझे। और इसलिए जब हमने जनधन योजना शुरू की तो उसे इतना शानदार रिस्पांस मिला, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब ये योजना शुरू हुई तो हम ये लक्ष्य तय नहीं कर पाए थे कि कितने गरीबों के बैंक अकाउंट खोलने हैं। और कारण ये था कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। हमें बस ये एहसास था कि गरीब को बैंक के दरवाजे से लौटा दिया जाता है, कभी डांटकर, कभी ये कागज लाओ वो कागज लाओ उसका बहाना बनाकर। आज जब मैं देखता हूं कि जनधन योजना के माध्यम से 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपने बैंक के खाते खुलवाए हैं तो लगता है कि गरीबों की कितनी बड़ी आवश्यकता की हम एक पूर्ति कर पाए हैं। एक स्टडी में ये बात उभर करके आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऐसे खाते ज्यादा खुले हैं वहां इन्फ्लेशन दर में भी कमी आई है। यानी गरीब की जिंदगी कितना बड़ा बदलाव इस एक योजना से प्राप्त कर पाई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने लोगों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाने का निरंतर प्रयास किया है। लोगों की जिंदगी आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इस विजन को हमने प्राथमिकता दी है। गरीब महिलाओं को गैस के धुएं से मुक्ति मिले और इसलिए उज्ज्वला योजना शुरू की। हमने 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। अब एक और स्टडी के सामने आया है कि इस योजना के बाद ग्रामीण इलाकों में फ्यूल इन्फ्लेशन में भी काफी मात्रा में गिरावट आई है। यानी गरीब को ईंधन के लिए अब कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हम गरीब की एक एक आवश्यकता, एक एक समस्या को पकड़कर उसे सुलझाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए। गरीबों को रहने के लिए पक्के घर मिल सके, वो जितना किराए पर खर्च करते हैं
लगभग उतने में ही उनके पास अपना घर हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को हमने आरंभ किया है। साथियों, विज्ञान भवन की इन चमचमाती लाइटें, इतनी सजावट, ये जो पूरा माहौल है उससे बहुत अलग दुनिया आपको देश के दूर दराज इलाके में, देश के गांवों में देखने को मिलती है। मैं गरीबी की उस दुनिया से निकलकर आपके बीच आया हूं। सीमित संसाधन, सीमित पढ़ाई, लेकिन अपने अथाह असीमित और इसी दुनिया ने मुझे सिखाया कि देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, गरीबों की आवश्यकताओं को समझते हुए हम कार्य करें, फैसले लें, उन्हें लागू करें। जैसे मुद्रा योजना युवाओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, ये आवश्यकता है बैंक गारंटी। कोई भी नौजवान अपने दम पर जैसे ही कुछ करना चाहता है, उसके सामने पहला सवाल यही होता है कि पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी सरकार दे रही है। पिछले 3 वर्षों में करीब करीब 10.25 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना से लोन स्वीकृत की है। बिना बैंक गारंटी इन 10.25 करोड़ युवाओं को करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम दे चुके हैं। युवाओं की बहुत बड़ी जरूरत के साथ ये सरकार खड़ी है और इसी का परिणाम है कि देश को पिछले 3 साल में लगभग 3 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत पहली बार बैंक से लोन लिया है। इन 3 करोड़ लोगों ने देश के लघु उद्योग सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर का दायरा और बढ़ाया है, उसे मजबूत किया है। सरकार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी जरूरत है रिस्क कैपिटल की। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने सिडबी के तहत एक फंड ऑफ फंड बनाया। इस कदम के बाद सिडबी द्वारा किए गए निवेश को अन्य इन्वेस्टर्स के सहयोग से 4 से 4.5 गुना ज्यादा लेवरेज किया गया। इससे स्टार्टअप्स को, जिनके पास नए आइडियाज हैं, उन्हें पूंजी मिलने में बहुत सहायता मिली है। भाइयों और बहनों, स्टार्टअप के इकोसिस्टम में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा किए गए निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 3 सालों में सरकार के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के कारण ऐसे निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि सरकार देश के नौजवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से फैसले ले रही है, योजनाएं बना रही है। इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आपको पिछली सरकार में देखने को मिलेगा। उस दौरान कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों के लोन दिए गए,
बैंकों पर दबाव डाल करके पैसा दिलवाया गया। साथियों, फिक्की का अपने बारे में कहना है, इंडस्ट्रीज वॉइस फॉर पॉलिसी चेंज, आप इंडस्ट्री की वॉइस सरकार तक पहुंचाते हैं, आपके सर्वे आते रहते हैं, आपके सेमिनार होते रहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया था या नहीं किया था। ये आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए एनपीए का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी है। मेरी दिलचस्पी ये भी जानने में है कि जब सरकार में बैठे कुछ लोगों को के द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कुछ सक्रिय थी, कुछ कर रही थी, चेतावनी दे रही थी, वॉइस उठा रही थी? पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे, बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था, बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ये यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था, कॉमनवेल्थ, 2G, कोयला, इन सभी से कहीं जड़ा बड़ा घोटाला ये बैंक के कारोबार से जुड़ा हुआ था। एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली थी। क्या एक बार भी किसी सर्वे में, किसी स्टडी में इसकी चिंता व्यक्त की गई थी, इशारा किया गया था? जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश इस देश की किसी संस्था के द्वारा हुई थी? साथियों, बैंकिंग सिस्टम की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों का हित सुरक्षित होगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा, तभी देश का हित भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे में फिक्की जैसी संस्थाओं की बड़ी भूमिका सही जानकारी के साथ उद्योग जगत और लोगों को जागरूक करने की भी है। अब जैसे बीते कुछ दिनों से फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल FRDI, उसको लेकर बहुत बड़ी मात्रा में अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार ग्राहकों के हित को सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन खबरें ठीक उससे उल्टी चलाई जा रही है। उद्योग जगत को और आम नागरिकों को भ्रमित करने वाली ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में
फिक्की जैसी संस्था का भी योगदान जरूरी है। आप गवर्नमेंट की वॉइस, इंडस्ट्री की वॉइस और पब्लिक की वॉइस के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे, ये भी आपको सोचना होगा। ये तालमेल क्यों आवश्यक है, इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। साथियों, भारतीय इंडस्ट्री की पुरानी मांग थी कि उसे जीएसटी चाहिए, जीएसटी चाहिए। मैं गुजरात में था, मुझे बोला मारो, साल में चार डेलीगेशन फिक्की और सीआईआई के आते थे जीएसटी के लिए। अब जब जीएसटी लागू हो चुका है तो उसे और प्रभावी बनाने के लिए आपकी संस्था क्या भूमिका निभा रही है? जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक रेस्टोरेंट्स के लिए वो बिल पोस्ट कर रहे थे कि टैक्स भले कम हुआ हो, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले मूल लागत को बढ़ाकर फिर हिसाब के खिलाफ ठीक ठक करके वैसे ही बिल पकड़ा रहे थे। यानी ग्राहक तक वो फायदा पहुंचा नहीं, उसको जो पहुंचाना था नहीं पहुंचा रहा था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन क्या फिक्की की तरफ से लोगों में, व्यापारियों में किसी तरह की जागरूकता का लाने में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? भाई और बहनों, जीएसटी जैसी व्यवस्थाएं रातों रात खड़ी नहीं होती हैं, और हम तो पिछले 70 साल की बनाई हुई व्यवस्था को बदल रहे हैं। हमारा ये भी लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इस नई व्यवस्था को से साथ जुड़े। चाहे लाख रुपए महीने का टर्नओवर हो या 10 लाख का, छोटे से छोटे व्यापारी को हम फॉर्मल सिस्टम में लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सरकार को पैसा कमाना है, टैक्स वसूलना है। सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि सिस्टम जितना फॉर्मल होगा, जितना पारदर्शी होगा, उतना ही देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा होगी, गरीबों का कल्याण होगा। इसके अलावा फॉर्मल सिस्टम की वजह से उन्हें आसानी से बैंकों से क्रेडिट मिलेगा, रॉ मटेरियल की गुणवत्ता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम होगी। यानी ग्लोबल बिजनेस में छोटे उद्यमी भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। मुझे उम्मीद है कि फिक्की ने बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों के मार्गदर्शन के लिए कोई योजना अवश्य बना के रखी होगी। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि फिक्की के एमएसएमई वर्टिकल का, जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और फिक्की की आयु हो गई 90 साल, एमएसएमई वर्टिकल का गठन 2013 में किया गया था, 2013 में। 90 साल की संस्था में एमएसएमई वर्टिकल सिर्फ 4 साल पहले बना। मैं कुछ और टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आपका ये वर्टिकल मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं का प्रसार बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इतनी अनुभवी संस्था जब हमारे छोटे उद्योगों की
हैंड होल्डिंग करेगी तो वो भी और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे और सफल होंगे। सरकार ने गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैं चाहता हूं कि आप जैसी संस्थाएं उसका अध्ययन करें। ई मार्केट प्लेस यानी जेएम जीईएम नाम से हमने एक व्यवस्था खड़ी की है, उससे भी देश के छोटे उद्यमों को जोड़ने में आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। जेम के माध्यम से अब छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर भी अपना सामान सीधे सीधा सरकार को बेच सकते हैं। मेरी एक और अपेक्षा आपसे है कि एमएसएमई का जो पैसा बड़ी कंपनियों पर ड्यू रहता है, और यहां कई लोग बैठे हैं उनके लिए खास मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएसएमई के पैसे बहुत लंबे अरसे तक ड्यू रहते हैं, वो समय पर चुकाए जा सकते हैं क्या? क्या इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? नियम है लेकिन ये भी सच है कि छोटे उद्यमियों का पैसा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अटका रहता है। 3 महीने 4 महीने बाद उन्हें पेमेंट मिलता है। अब कारोबारी रिश्ते बिगड़ न जाए, छोटा व्यक्ति है अगर वो खरीदना बंद कर दे तो परेशान हो जाए, इसलिए छोटा उद्यमी अपने पैसे जो हक्के हैं वो भी बड़ी कंपनियों से मांगने में हिचकिचाता है। उसकी इस चिंता को, इस समस्या को दूर करने के लिए भी फिक्की जैसी संस्थाओं की तरफ से आग्रह पूर्वक प्रयास होगा तो इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी नई गति मिलेगी। साथियों, ऐसी बहुत सी वजह थी, कुछ तालियां यहां बजती है कुछ तालियां पीछे बढ़ती है, फर्क फर्क ध्यान में आता है। और ये दूरी मिटाना यही मेरा इरादा है। साथियों, ऐसी बहुत सी वजह थी जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया, और आज बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। ये सरकार देश की आवश्यकताओं को समझते हुए नई नीतियां बना रही है, पुराने कानून खत्म कर रही है, नए कानून बना रही है। अभी हाल ही में हमने बांस को लेकर के, आपको हैरानी होगी, बांबू बांस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। बांस ये पेड़ है या घास है, इसको लेकर के हमारे देश में 2 अलग अलग कानून थे। एक कानून कहता था बांबू ग्रास है, एक कानून कहता था कि बांबू ट्री है। किसी को जेल में डालना है तो ट्री वाला कानून, और किसी से पैसे कमाना है तो ग्रास वाला कानून। अब सरकार ने तय कर दिया है कि जंगलों से बाहर जो बांस उगता है, ये ना आदिवासी भी अगर अपने खेत में उगाता है, उसे पेड़ नहीं माना जाएगा, ट्री नहीं माना जाएगा।
आप हैरान होंगे जी, अगरबत्ती बनाने के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं, दिया सली के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं, पतंग बनाने के लिए बांबू इंपोर्ट करते हैं, जबकि देश में बांबू है, लेकिन क्योंकि वो ट्री है जेल जाना पड़ेगा। इस फैसले से उन लाखों छोटे उद्यमों का फायदा होगा जो बांस पर आधारित उद्योग से जुड़े हुए पेपर मिल तक। साथियों, मुझे बताया गया है कि फिक्की के सदस्यों में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए सदस्य हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसी कंपनियों का फिक्की का शायद एक चौथाई परिवार वही लोग हैं। भाइयों और बहनों, फिर क्यों ऐसा हुआ कि बिल्डरों की मनमानी की खबर पहले की सरकार तक फिक्की ने नहीं पहुंचाई? मध्यम वर्ग पिस रहा था, जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहे थे, और फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। क्यों? रेरा आरईआरए जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को इस सरकार ने ही समझा और कानून बना करके बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई है। और मैं उस जगह पे बोल रहा हूं जिसकी 1/4 मेंबर ही इस परिवार से है। भाइयों और बहनों, हमने ही इस बात को समझा कि मार्च में बजट पेश होने पर योजनाओं को साल भर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। बजट पास होना और बारिश की शुरुआत होना एक साथ चलता है और उसके कारण बजट कई लंबे अरसे तक, यानी दिवाली आने तक कोई काम हो ही नहीं सकते। हमने इसको प्रीपोन कर दिया, बजट को हमने एक महीना आगे कर दिया। मानसून की वजह से 3-4 महीने बर्बाद हो जाते थे और इसलिए इस बजट का समय एक महीने पहले कर दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ है कि इस साल विभागों को तय समय से भी पहले पैसा मिला, योजनाओं पर काम करने का उनको पूरा अवसर मिला और साल भर काम चलता रहा। साथ ही इस सरकार में यूरिया को लेकर नई पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के नई पॉलिसी बनी, एविएशन सेक्टर के लिए नई पॉलिसी बनी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इंटीग्रेशन के लेकर हमारी पॉलिसी बनी, हेल्थ को लेकर हमने नई पॉलिसी बनाई। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पॉलिसी बनानी है तो चलो पॉलिसी बना दी, ये सरकार ऐसी नहीं है। हमने यूरिया को लेकर नीति बदली तो देश में बिना नए यूरिया कारखाने लगाए बिना 18 से 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया। और ये क्या व्यापारी पूरी तरह समझता है कि इसका मतलब क्या होता है, उसको समझाना नहीं पड़ता है। टेक्सटाइल सेक्टर में नई नीति रोजगार के 1 करोड़ अवसरों का निर्माण करेगी। एविएशन सेक्टर में पॉलिसी चेंज, हवाई चप्पल वाला भी हवाई उड़ान की सुविधा प्राप्त कर सकेगा, इस प्रकार का चेंज हम लाए हैं।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इंटीग्रेशन यातायात की अलग अलग व्यवस्थाओं पर बोझ बहुत बड़ी मात्रा में कम करेगा। पिछले 3 वर्षों में, और मैं चाहूंगा कि फिक्की इसकी सूची तैयार करें, पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टर में 87 महत्वपूर्ण रिफॉर्म इस सरकार ने किए हैं। डिफेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे कितने ही सेक्टरों में GCPT व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी का नतीजा आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग अलग पैरामीटर्स में आज नजर आ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत सिर्फ 3 वर्षों में 142 से 100वें नंबर पर पहुंच गया। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 30,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 40,000 करोड़ डॉलर के पास पहुंच चुका है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 32 अंकों का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 21 अंक उछली है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 अंकों का सुधार हुआ है। अगर कुल FDI की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में देश में विदेशी निवेश में लगभग 70% बढ़ोतरी हुई है, 70%। मैंने पहले ही कहा था फिक्की में तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े सदस्य जरा जाता है, आपको जानकारी होगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का टोटल 75% पिछले 3 वर्षों में हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, सभी में अब तक हुए निवेश का आधे से ज्यादा निवेश सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 वर्ष में हुआ है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के कुछ और आंकड़े भी सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन पहले आए आंकड़े जरूर आपको पता होगा, लेकिन इनकी तरफ हो सकता है आपका ध्यान फिर से आकर्षित करने का मेरा मन कर रहा है। साथियों, घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल बिक्री की ग्रोथ नवंबर में 14% से ज्यादा रही है। कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री में, जो कि देश की इकोनॉमी में एक्टिविटी को दर्शाती है, उसमें 50% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। थ्री व्हीलर की बिक्री, जिसे रोजगार का भी एक इंडिकेटर माना जा सकता है, उसमें नवंबर महीने में लगभग 80% ग्रोथ है, 80। टू व्हीलर जिसकी बिक्री गांवों में और मध्यम वर्ग की आय में बढ़ोतरी को दर्शाती है, उसमें 23% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आपको पता है कि इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन तभी आता है जब अर्थव्यवस्था पर सामान्य मानवी का भरोसा बढ़ता है। मैं सुधार इस बात का सबूत है
कि बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर सरकार बड़े प्रशासनिक वित्तीय और कानूनी कदम उठा रही है। ये सुधार इस बात का भी सबूत है कि सरकार के सोशल रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म भी अपने आप ला रहे हैं, जॉब क्रिएशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो सरकार इस लक्ष्य का पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के हर गरीब को उसका अपना घर होना चाहिए और इसके लिए गांवों में, शहरों में लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। इन घरों को बनाने के लिए मैन पावर तो स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रही है, घरों के निर्माण में जो सामान लग रहा है वो भी तो स्थानीय बाजार से ही आ रहा है। ऐसे ही देश में गैस पाइपलाइन बिछाने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसे कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। जिन शहरों में सीएनजी पहुंच रही है वहां पर एक नया जॉब मार्केट में एक नया इकोसिस्टम भी आज डेवलप हो रहा है। भाइयों और बहनों, हम सभी देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अगर कार्य करेंगे तभी लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। फिक्की से जुड़ी सभी सदस्य कंपनियों को इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि कैसे हम उन चीजों का देश में निर्माण करें जिन्हें भारत बाहर से मंगवाने के लिए हमारा देश मजबूर न हो। कितने ही क्षेत्रों में हमसे ही कच्चा माल लेकर हम ही को वापस भेजा जाता है। इस स्थिति से हमें देश को बाहर निकालना है। साथियों, 2022 हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा। हम सभी ने संकल्प लिया है न्यू इंडिया के निर्माण का। फिक्की जैसी संस्थाओं का दायरा इतना बड़ा है, जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उसे आगे कदम बढ़ाकर न्यू इंडिया के लिए हमें संकल्प लेने होंगे। फिक्की को ये देखना होगा कि देश की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए वो क्या नए संकल्प लें। आपके लिए कितने ही सेक्टर हैं जहां काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर पावर सेक्टर, हेल्थ केयर, इन सभी को फिक्की के अनुभव का फायदा मिल सकता है। क्या आपकी संस्था देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए थिंक टैंक के तौर पर कार्य कर सकती है क्या? भाइयों और बहनों, करने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें संकल्प लेना है और उसे सिद्ध करने के लिए अविरत पुरुषार्थ करना है। जब हमारे संकल्प सिद्ध होंगे तो देश भी सिद्ध होगा। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज 90 पर आकर 100 के इंतजार में धीरे खेलने लगते हैं, फिक्की ऐसा न करे। आइए सीधे एक छक्का, एक चौका और सैकड़ा पार करें। मैं एक बार फिर
फिक्की को उसके सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। पंकज भाई के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, रसेश भाई का शुरू हो रहा है और यहां एक पूरी कतार बैठी है जो पुराने कार्यकाल वाले हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद।